मंसर के चेक पोस्ट पर अवैध तरीके से ट्रक और बड़े पहिए वाले वाहन चालक से वहां के अधिकारी और अधिकारी द्वारा तैनात किए गए गुंडे जबरन उगाही कर रहे हैं। इसकी शिकायत मिलते ही युवक कांग्रेस के बंटी शैल के तौसीफ खान, नयन तरवटकर और कार्यकर्ता घटनास्थल पर पहुंचे और जबरन उगाही किए जाने के विरोध में कार्यकर्ताओं ने फेसबुक लाइव और चेक पोस्ट के सामने में आंदोलन किया। घटनास्थल पर रामटेक पुलिस पहुंची और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। सेंट्रल जेल में बंटी शैल के तौसीफ खान और नयन तरवटकर ने जेल में आंदोलन शुरू कर दिया है, तो वहीं नागपुर के कई हिस्सों में युवक कांग्रेस द्वारा न्याय की मांग करते हुए आंदोलन कर रहे हैं। पेश है संवाददाता संजय मिरे, इनकी आज्ञाराम देवी चौक से ये ग्राउंड रिपोर्ट, आइए देखते हैं। 20 तारीख को मंसर के चेक पोस्ट पर अवैध भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारियों के कामों का पर्दाफाश करने के लिए युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव नगर सेवक बंटी शेल के तौसीफ खान, नयन तरवटकर और 20 कार्यकर्ता मंसर के चेक पोस्ट पर पहुंचकर आंदोलन कर रहे हैं। सिवनी, जबलपुर, लखनादौन, इंदौर, भोपाल आदि जगहों पर ट्रक चालकों ने, बड़े पहिया वाहन के चालक ने बंटी बाबा शेलके से चेक पोस्ट के भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ शिकायत दर्ज की, जिसके चलते प्रादेशिक परिवहन मंसर चेक पोस्ट के अधिकारियों पर सरकार सख्त कार्रवाई करे, इसके लिए आंदोलन किया गया। इतना ही नहीं तो युवक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने फेसबुक लाइव भी किया, जिसकी भनक लगते ही चेक पोस्ट पर तैनात अवैध कर्मचारी, वहां चेक पोस्ट पर काम करने वाले गुंडा तत्व के लोग वहां से भाग निकले। जब युवक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने वहां के अधिकारियों से पूछना चाहा, तो अधिकारियों ने उल्टा कार्यकर्ताओं को ही धमकाना शुरू कर दिया और कहा कि जो करना है वो करो, हमारा कुछ नहीं कर सकते। यह कहकर अधिकारियों ने रामटेक पुलिस थाने में कार्यकर्ताओं के खिलाफ शिकायत दर्ज की। रामटेक पुलिस ने युवक कांग्रेस के सचिव बंटी शेलके, नयन तरवटकर और तौसीफ खान को गिरफ्तार कर सेंट्रल जेल में भेज दिया। बताया जा रहा है कि शहर में इसकी भनक लगते ही नागपुर शहर के अलग अलग जगहों पर युवक कांग्रेस ने भ्रष्टाचारी चेक पोस्ट के अधिकारियों के खिलाफ आंदोलन शुरू किया। नागपुर के आज्ञाराम देवी चौक पर युवक कांग्रेस ने आंदोलन छेड़ा। इस मौके पर युवक कांग्रेस के कार्यकर्ता इरफान काजी, आकाश गुजर एवं राहुल खैरकर, इन्होंने हमारे संवाददाता संजय मीरे इनसे बातचीत की। दर्शकों नमस्कार, इस समय में भीषण की टीम आगराम दी चौक में है, जहां पे युवक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा एक आंदोलन जारी है। आखिरकार यह आंदोलन क्यों किया जा रहा है, यही जानने के लिए आज भीषण की टीम यहां पे पहुंची है। आप देख सकते हैं कि ये तमाम यहां के कार्यकर्ता जो युवक कांग्रेस के है, जो पिछले कई दिनों से RTO चेक पोस्ट के भ्रष्टाचार को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं, न्याय की मांग कर रहे, उनके हाथ में मिला क्या, उनके हाथ में मिला है कानून का डंडा और उन्हें जेल के सलाखों के पीछे धकेल दिया गया है। कुछ इस समय हमारे साथ में इरफान काजी मौजूद है, एक कार्यकर्ता, उनसे जानना चाहेंगे। इरफान, ये बताएं कि जिस तरह से ये जो कामकाज किया गया है, क्यों किया गया है, क्या हुआ था उस दिन, क्या कहना चाहोगे आप? कल का दिन नागपुर और पूरे महाराष्ट्र के लिए एक काला दिन है। कल सच्चाई के लिए खड़े होने वाले व्यक्ति को जबरन एक झूठी कलम लगा के हवालात में भेजा जाता है और हवालात से उसे जेल भेजा जाता है, जबकि वो लोगों के हित के लिए बात करने वहाँ चेक पोस्ट पे जाता है। वहाँ लोगों से, वो चेक पोस्ट अधिकारियों से, जो गुंडे पाले हुए लोग हैं, उनसे ये पूछने जा रहा है वो कि आप एक ऑटो वाले से 200 रुपये अवैध वसूली कैसी ले रहे हो, एक 407 वाले से 700 रुपये अवैध वसूली कैसी ले रहे हो, जिसका नाम मामूल रखते हैं वो लोग, और एक 1109 वाले से 1500 वसूली कैसे ले रहे हो, और हम और कोई भी साधारण व्यक्ति आप लोगों को कैसे पहचान सकता है, जबकि ना आपके पास आई कार्ड है, ना आप ड्रेस पे हो। और उसको ये वहाँ पे आंसर मिलता है कि हमारा नीचे से लेके ऊपर तक, हमारा जो एक बॉस है, शायद बजरंग कर्माटे, हमारा जो एक बॉस है वो कपूरिया जो वहाँ पे इंचार्ज था, वो बोलता है कि एक बजरंग कर्माटे करके हमारा बॉस है, उसकी ऊपर से लेके नीचे तक सब जगह देन जाती है। माननीय नितिन जी गडकरी को देन जाती है, माननीय नितिन जी राउत को देन जाती है, माननीय परिवहन मंत्री प्रणब जी को देन जाती है, और हम पुलिस प्रशासन से, सारे प्रशासन से हमारा कुछ नहीं होने वाला। आपको जहाँ कंप्लेंट देना है दीजिए, ये हमारा भ्रष्टाचार, हमने जो वर्दी आज इतने पैसे खर्चा करके, 50 लाख 60 लाख खर्चा करके चेक पोस्ट पे जो ड्यूटी ली है, वो वर्दी इसीलिए ली है कि हमको हमारे वो 50-60 लाख के ब्याज सहित पैसा वापिस चाहिए, ना कि हम देश की सेवा करने यहाँ नहीं बैठे हैं।
अब इरफान आप क्या चाहते हो? आप जिस प्रकार से आपके तीन कार्यकर्ताओं को तो अंदर में डाल दिया गया है, जेल के सलाखों के पीछे में है, क्या आंदोलन से इसका सोल्यूशन निकल सकता है? क्या कहना चाहोगे सरकार से? तीन कार्यकर्ताओं को, हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को जेल में डाला है, उनकी सोच को जेल में नहीं डाला है। और ये पूरे नागपुर शहर की ऐसी युवाओं की सोच है, इसमें कोई पार्टी का लेन देन नहीं है, इसमें कोई राष्ट्रवादी कांग्रेस बीजेपी मनसे ये पार्टी हित की बात ही नहीं है, ये देश हित की बातें है। आज 85 लाख करोड़, 7 साल में हम 85 लाख करोड़ कर्जा ले चुके हैं। कहीं ना कहीं ये जो करप्शन है आरटीओ का, ये करप्शन की वजह से ही हमारे देश में मंदी है। अगर ये आरटीओ का करप्शन रोकने के लिए हमारे नेता, मध्य नागपुर के नेता, राष्ट्रीय सचिव बंटी जी शिड़के अगर आवाज उठाते और उनको तुम अगर 354 की झूठी कलम लगा के, 35 लगा के, 354 की झूठी कलम लगा के अगर जेल में भेज देते हो, तो ये तुम्हारा सोचना गलत है कि ये आंदोलन खत्म हो जाएगा। ये भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए हम सब बंटी शिड़के बनने को तैयार है। बिल्कुल, तो जिस तरह से बताया कि जिस प्रकार से आज आर्थिक तंगी का मुख्य कारण भी भ्रष्टाचार बताया गया है, इस समय में कार्यकर्ता, युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता आकाश गुजर भी उनसे जाना चाहेंगे। आकाश, ये बताइए कि यदि आपके इस आंदोलन को सरकार न्याय नहीं देती है, प्रशासन न्याय नहीं देती है या नहीं मिलता है, तो आपकी अगली रणनीति किस प्रकार की होगी? जिस प्रकार हमारे भाई बंटी शिड़के को आज सेंट्रल जेल पास कर दिया गया है, आज उस आदमी को आपने, किस आदमी को सेंट्रल जेल पास किया? आपने उस आदमी को सेंट्रल जेल पास किया जिस समय नागपुर शहर में, पूरे देश में जब महामारी फैली हुई थी, और एक में वो बंटी शेड़के आज नागपुर शहर में बाहर निकला और जिसका भाई अगर कोविड पेशेंट रहता था, उसको उसका भाई हाथ नहीं लगा था, उस व्यक्ति को बंटी शेड़के कोविड पेशेंट को हाथ लगाकर उसको मेडिकल मेहू में एडमिट करता था, और जिसने 300 दिन गरीबों को सिर्फ खाना खिलाया, उस आदमी को आपने सेंट्रल जेल में डाल दिया। वो भी क्यों डाला आपने? उसने सिर्फ आरटीओ में चल रहे भ्रष्टाचारी को रोकने के लिए आवाज़ उठाया, उस आवाज़ को दबाने के लिए आपने हमारे भाई बंटी शेड़के, तौसीफ खान शहर अध्यक्ष और नयन तरवटकर मध्य नागपुर अध्यक्ष, उसको आपने अंदर डाल दिया। आज उनको आपने मंसर चेक पोस्ट आपने उनको अंदर डाल दिया, इसका आप तीन लोगों को अंदर डाला आपने, तीन लोगों ने, हम आज तीन लोग भले अंदर क्यों ना चले गए, आज 300 लोग हम अनशन पर बैठे, और इसके बाद में अगर हमारे भाई को रिहा नहीं किया गया, तो इसके बाद में हम इससे भी ज़्यादा भयानक बुलंद आवाज़ हमारी रहेंगी, हर चौक पर हम आंदोलन करेंगे, हर चौक पर हम पुतले जलाएंगे, और इसके बाद भी अगर कुछ नहीं हुआ तो हमारे आगे की रणनीति आप हमारे फेसबुक लाइव के माध्यम से और बीसीएन न्यूज के माध्यम से देखोगे। आमचे मार्गदर्शक बंटी शेके, तौसीफ खान, नयन तलवटकर हे मध्य नागपूर कारागृहामध्ये आमरण उपोषणावर बसले आहे, त्यांनी पण अन्नत्याग पाणीत्याग केला आहे, त्यांच्या सपोर्ट करण्यासाठीच आम्ही इथे आज उपोषणावर बसलो आहे सगळे युवक काँग्रेसचे पदाधिकारी। आणि आमची या उपोषणातून बंटीबाबा शेळके आणि आमचे सहकारी सगळ्यांची मागणी एकच आहे की ही वसुली थांबली पाहिजे, मोठ्या मोठ्या बड्या अधिकाऱ्यांची वसुली थांबली पाहिजे, खंडणी थांबली पाहिजे, त्या अधिकाऱ्यांवर वचक बसला पाहिजे, त्यांना निलंबित केलं पाहिजे, निलंबित करा, आणि जोपर्यंत ही वसुली थांबत नाही तोपर्यंत आमचं आंदोलन असंच चालत जाईल। आणि पूर्ण वाहन चालक, ट्रक चालक, ट्रान्सपोर्ट मालक सगळे आमच्या बाजूने आहे, विविध ठिकाणी नागपुरात विविध ठिकाणी आंदोलन करणार आहे आम्ही, आणि हे आंदोलन शेवटपर्यंत चालू राहील जोपर्यंत ही वसुली थांबत नाही। बिल्कुल, तो आप थे आकाश गुजार, जिन्होंने बखूबी बेबा के साथ बात करते हुए बता कि किस प्रकार का ये आंदोलन छेड़ा गया है। हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि मनसर के चेक पोस्ट पे जिस प्रकार से भ्रष्टाचार जो चल रहा है, मनसर के चेक पोस्ट पे जो भ्रष्टाचार चल रहा है वो बड़े पैमाने पे हो रहा है। कई लॉरियाँ वहाँ पे आती है, उनको रुका रुका के पैसे लिए जाते हैं, ऐटे जाते हैं, अधिकारी वहाँ पे वसूली करने के लिए गुंडा तत्व, गुंडे लोगों का इस्तेमाल भी करती है, मगर अफसोस के ना प्रशासन को दिखता है ना सरकार को दिखता है। जब कोई इस प्रकार के पार्टी के कार्यकर्ता आंदोलन करते हैं तो उन्हें ही उल्टा चोर कोतवाल को डांटे जैसी बातें होती है। और ये तीन कार्यकर्ताओं को पुलिस, रामटेक पुलिस ने हिरासत में लेके इनको सेंट्रल जेल पास कर दिया है, इनके ऊपर में कानून जो कलमे हैं वो भी धाराएं भी लगा दी गई है। अब देखना ये होगा कि इसके बाद क्या प्रशासन जागेगा, क्या सरकार जागेगी, क्या देश के केंद्रीय मंत्री, परिवहन मंत्री जागेंगे, जिस प्रकार से भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पे हो रहा है, क्या उसको रोकने में सरकार कामयाब होगी या फिर ढाक के तीन पांच जैसा ही कामकाज चलता रहेगा और लोग इसी तरह मरते रहेंगे, लोगों को उनका जो एक्सप्लॉयटेशन है वो ऐसा ही होते रहेगा, और लोग कहीं ना कहीं उनका खच्चीकरण करने के लिए, उनसे पैसे ऐंठने के लिए भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पे पनपेगा, ये तो और आने वाला समय ही बताएगा।
अगरम देवी चौक से कैमरा पर्सन सुभाष बुटले के साथ संजय मीरा, BCN न्यूज नागपुर।